मारवाड़ी मिट्टी आप देख रहे हैं। आज है 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार अश्विन माह की एकादशी तिथि है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। इसराइल ने अपनी सेना को पूरी गाजा पट्टी पर कब्जे के आदेश दिए हैं। इसराइल ने 1,00,000 सैनिकों को गाजा बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। इसके साथ ही 3,00,000 सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अधिकारियों को गाजा पट्टी में खाना पानी बिजली और फ्यूल की सप्लाई बंद करने के आदेश दिए हैं। इसराइल अब ताबड़तोड़ वार कर रहा है। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के 500 वार रूम तबाह कर दिए हैं। जंग के तीसरे दिन अब तक 800 से लेकर 900 इजरायलियों की मौत हुई है। वहीं इसराइल की जवाबी कार्रवाई में 500 से 600 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। दूसरी तरफ हमास ने दावा किया है कि उसने इसराइल के 130 लोगों को अगवा किया है, उन्हें गाजा पट्टी में सुरंगों में रखा है। बड़ी खबर यह भी है, हमास के हमलों में अब तक 28 विदेशी नागरिकों की भी जान चली गई है। भारत समेत कई देशों ने इसराइल से अपने नागरिकों को निकालने का काम भी शुरू कर दिया है। उधर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के हमले के बाद एक वीडियो मैसेज जारी किया है। उसमें उन्होंने चेतावनी दी है कि इसराइल को निशाना बनाने वाले एक भी आतंकी को छोड़ा नहीं जाएगा। यानी कि अब दुनिया भर में तनाव बढ़ता जा रहा है और आने वाले 1-2 दिनों के बाद इस युद्ध का परिणाम बेहद भयानक हो सकता है। बड़ी खबर यह भी है, कांग्रेस ने 9 अक्टूबर को दिल्ली में पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक की। इस दौरान कांग्रेस ने इसराइल पर हमास के हमले में फिलिस्तीन का समर्थन किया है। दरअसल आपको बता दूं, इससे पहले जंग शुरू होने पर भारत सरकार ने 7 अक्टूबर को इसराइल का समर्थन किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि संकट की इस घड़ी में हम इसराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं देश की सबसे बड़ी खबर। चुनाव आयोग ने सोमवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन राज्यों में चुनावी प्रक्रिया 27 दिन चलेगी। सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होगा, उसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी, फिर 23 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। अच्छा, इन सभी 5 राज्यों के एक साथ 3 दिसंबर को नतीजे भी आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से बड़ी खबर है। प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होगी, 23 नवंबर को मतदान होगा। लेकिन बड़ी बात आपको बता दूं, जिस दिन राजस्थान में वोटिंग है उसी दिन देव उठनी एकादशी भी है और देव उठनी एकादशी को सबसे बड़ा अभूज सावा माना जाता है। ऐसे में कहीं न कहीं माना जा रहा है कि इससे वोटिंग प्रतिशत में असर पड़ेगा, क्योंकि इस दिन राजस्थान में लगभग 1,00,000 शादियां हैं। और आपको पता ही है, देव उठनी एकादशी पर पड़े पैमाने पर लोग दूसरे गांव में भात भरने, बारात लेकर दूसरे गांव में जाते हैं। इसी तरह हलवाई, बैंड बाजे वाले, कैटरिंग वाले और व्यापारी और पुजारी, शादी के काम से जुड़ा कारोबार करने वाले सभी लोग व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं वोटिंग प्रतिशत में असर जरूर पड़ेगा। अच्छा, बड़ी खबर यह भी है, राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने सोमवार दोपहर पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 41 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 7 सांसदों सहित एक रिटायर्ड आईएएस को भी मैदान में उतारा गया है। वैसे मोटा मोटी आपको बताऊं तो राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर से और बालकनाथ को तिजारा से, अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ से और झुंझुनू से सांसद नरेंद्र कुमार को मंडावा से उतारा है। वहीं सांसद दिया कुमारी को विद्यानगर जयपुर से उतारा गया है। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को झोटवाड़ा से, और सिरोही सांसद देवजी पटेल को सांचौर से मैदान में उतारा गया है। बड़ी खबर यह है, बीजेपी ने 41 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आचार संहिता लगने से पहले सीएम गहलोत ने बड़ा दांव खेला है। दरअसल आचार संहिता लगने से ठीक 2 घंटे पहले सीएम गहलोत ने ताबड़तोड़ ऐलान कर दिए, 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी है। बड़ी खबर यह है, नए बनाए गए बोर्ड में अध्यक्ष और मेंबरों की नियुक्तियां की गई। कई बोर्ड अध्यक्षों ने आदेश निकालने के तत्काल बाद आनन फानन में ज्वाइन भी करवा दिया और हाल ही में की गई लोक लुभावन घोषणाओं के आदेश भी सीएम गहलोत ने जारी कर दिए। महिलाओं और बालिकाओं को रोडवेज बसों में मंथली पास बनवाने में 90% छूट देने के प्रस्ताव को सीएम गहलोत ने मंजूरी दी है। इसके बाद अब महिलाओं को मंथली पास के लिए तय राशि का केवल 10% ही भुगतान करना होगा।
एक और बड़ी खबर, 6 अक्टूबर को अभी हाल ही में सीएम गहलोत ने 3 नए जिले सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन की घोषणा की थी, लेकिन नए जिलों का नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर तक जारी नहीं हो सका। ऐसे में अब नए जिले की घोषणा ही रह गई है, क्योंकि नए जिले बिना नोटिफिकेशन के अस्तित्व में नहीं आ सकते। एक और बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बीएसपी ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीएसपी ने फिलहाल 5 उम्मीदवार उतारे हैं। डीग कुमेर से हरिओम शर्मा, तिजारा से इमरान खान को टिकट दी गई है, बानासुर से मुकेश यादव को, बयाना रूपवा से मदन मोहन भंडारी को उतारा है और दौसा से बीएसपी ने रामेश्वर बनियाना गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर, पाली के नहरा बांध में बढ़ते प्रदूषण का मुद्दा गर्माने लगा है। यहाँ के किसान बांध में घुस गए और जल समाधि लेने पर अड़ गए। जल समाधि लेने वाले गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता दीपक बामणिया और किसानों को सोमवार को शांति भंग में गिरफ्तार भी किया गया। किसानों ने कहा, हम अपराधी नहीं क्रांतिकारी है। हालांकि शाम को जमानत पर किसानों को छोड़ दिया गया। आगे बढ़ेंगे, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 7 दिनों तक प्रदेश का मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। हालांकि उत्तर भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है, जिससे गिलगित बल्टिस्तान और कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पर बारिश के साथ हल्की बर्फबारी हो सकती है, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। एक और बड़ी खबर, आचार संहिता लगने के बाद लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि अब कौन सी सरकारी योजनाएं बंद हो जाएगी और कौन सी चालू रहेगी। वैसे तो इसके बारे में कल शाम को मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको वीडियो दिया है, आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, जिस सरकारी योजना का काम शुरू हो गया है वह आचार संहिता लागू होने के बाद भी जारी रहती है। यानी जैसे जिन योजनाओं में आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले किसे लाभ मिलेगा इसकी पहचान हो गई है, यह योजनाएं भी चालू रहेगी। जैसे पहले से चल रही मनरेगा जैसी योजनाएं आचार संहिता के दौरान भी जारी रहती है, और नई योजनाओं को अगर मंजूरी मिल चुकी है और इसके लिए राशि भी स्वीकृति हो चुकी है तो वह भी चलती रहेगी। अच्छा, जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, जाति निवास प्रमाण पत्र बनाना है, जमीन की रजिस्ट्री जैसे काम करवाने हैं, तो यह काम आचार संहिता के दौरान भी जारी रहते हैं। वहीं देखिए, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, 1,40,00,000 महिलाओं को फ्री मोबाइल देने की योजना शुरू हो चुकी है, इसीलिए आचार संहिता लगने पर इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले फेज में केवल 40,00,000 महिलाओं को ही स्मार्टफोन मिलते रहेंगे। नए फोन देने के लिए सरकार को चुनाव आयोग से इजाजत लेनी पड़ेगी। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया है कि आचार संहिता लगने के बाद गहलोत सरकार की ज्यादातर फ्री वाली योजनाओं पर ब्रेक सा लग सकता है। अच्छा देखिए, प्रतिवर्ष दीपावली पर सरकारी कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है, लेकिन इस बार बोनस मिलेगा या नहीं इस पर भी अभी संशय बरकरार है, क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी सरकारी कार्य घोषणा बयान और आदेश को आयोग अपने क्षेत्राधिकार में ले सकता है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।